हमारे सुरक्षा बल सतर्क हैं और पूरी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ एक बेहतरीन काम हो रहा है, चाहे वो BSF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी आर्मी हो, जो भी मिलिटेंट यहाँ पर घुसपैठ करके आते हैं उनको जल्द ही मार गिराया जाता है। आज जो नगरोटा में हुआ वो इसका एक उदाहरण है। सुबह 4 बजे जो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा है और सभी 4 मिलिटेंट से यहाँ पर मार गिराए हैं, मैं सुरक्षा बलों को सलाम करता हूँ और ऐसा लगता है कि मिलिटेंसी का खात्मा जल्द ही जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार के कोशिशें की जाती हैं कि यहाँ पर इस इलेक्शन के DDC इलेक्शन के दौरान आतंकवाद फैलाया जाए ताकि लोग डर करके ये पोलिंग में या दूसरी चीज़ों में हिस्सा ना लें, लेकिन जनता भी जागरूक है और लोग भी जागरूक हैं, उसके साथ हमारे सुरक्षा बल भी जागरूक है। इसी कारण से एक बहुत बड़ा जो हादसा यहाँ पर होने वाला था वो टल गया। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए उन जो लोग, कई बार हमारे जवान भी शहीद होते हैं इसमें, लेकिन ये जो इस वक्त वातावरण है, कुछ हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस चीज़ को हवा देती हैं, तो उनको कम से कम शर्म करनी चाहिए कि जो लोग दूसरे देशों से आकर के यहाँ पर इस प्रकार का आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, तो और इनकी जो बातें हैं, जो इनकी पाकिस्तान प्रस्ती है, जो इनकी चीन के प्रति ऐसा रुख अपनाते हैं, उनके हक में बयान देते हैं, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए।